काइज़न के थ्रू को एक्सप्लोर करने की कोशिश की कि ये एक कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट या कंटीन्यूअसली हम उसको इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी ये एक तरीके से कहीं पे ये स्थिर नहीं है। अगर स्थिर है तो वो डेवलपमेंट नहीं है, अगर वो स्थिर नहीं है तो वो डेवलपमेंट है, अगर स्थिर है तो डेवलपमेंट नहीं है। क्योंकि जहां डेवलपमेंट की बात हम सोचते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं हम प्रोसेस की बात करते हैं, एक बढ़ने की प्रोसेस की बात करते हैं, वो आगे आने की प्रोसेस की बात करते हैं। और इस बात को हमने अपने मन के माध्यम से देखा कि हम हमारे मन में जो मुख्य बात होता है कि वो विचार को हम निर्माण करते हैं, उस विचार के साथ हम एक मत भी बना लेते हैं और एक दृष्टिकोण पैदा करते हैं, और जिस दृष्टिकोण के साथ हम अपने जीवन को जीने की कोशिश करते हैं। और उसमें और एक बात को मैंने एक्सप्लोर किया था कि जो इंट्रो एक्सटर्नल चेंज है और एक्स्ट्रो इंटरनल चेंज, मतलब दोनों तरीके का चेंज को बताया कि जो एक्स्ट्रो इंटरनल चेंज वो बाहर से बहुत सारी चीजें हमारे पास आते हैं, इंफॉर्मेशन हो या फिर हमने कहीं सुना हुआ हो या हम हमारे ऊपर जो कल्चर है उस कल्चर ने हमको दिया हुआ हो, तो वो चीजें हमारे अंदर असर करता है हमारे बदलने के लिए या हमारे जो परिवर्तन है वो परिवर्तन सही या गलत है मैंने नहीं बताया, वो सही है या गलत नहीं बताया था, लेकिन एक विचारधारा के तौर पर अगर हम बदल रहे हैं तो वो विचारधारा डिपेंड करता है कि मैं कौन से दिशा में मेरा डेवलपमेंट हो रहा है या कौन से दिशा में मेरा बदल हो रहा है। तो इस बात को हमने देखे थे और इंट्रोएक्शनल चेंज उसको देखे थे कि इंट्रोएक्शनल चेंज मतलब हमारे अंदर की इंस्टिंक्ट जो है एक एक क्या बोल सकते हैं कि वो एक अंत प्रेरणा है, जो अंत प्रेरणा मतलब एक तरीके से इस बात को हम देख सकते हैं कि हमारे अंदर किसी को एक रेस्पॉन्स होता है, यानी जो गुड होता है उसको रेस्पॉन्स होता है, और उसको अगर देखेंगे कि वो गुडनेस क्या है या फिर जो अच्छाई क्या है उसको एक पेंटिंग के साथ अगर जोड़ के देख सकते हैं, एक कला के साथ अगर जोड़ सकते हैं, तो हमारे जो इंटरेस्ट कुछ चीजों को लेकर तुरंत हो जाता है, यानी हम अट्रैक्ट होते हैं तुरंत एक नेचर के प्रति, एक म्यूजिक के प्रति या एक जो ब्यूटी होता है उस ब्यूटी के प्रति। तो ये एक तरीके से इंस्टिंक्ट होता है, और उसको एक उपमा के तौर पर अगर देखेंगे तो जैसे कि वो झील होता है, तो झील अंदर से ही शुद्ध होता है, और झील क्या होता है अंदर से जो पानी आता है उसका जो बहाव होता है उस स्ट्रीम में वो क्या होता है कि वो शुद्ध पानी निकालता है और उसका फिर चारों तरफ वो फैलता है। तो उस तरीके से इस चेंज को हम देख सकते हैं कि हमारे जो इंट्रो एक्सटर्नल चेंजेस है इस चेंजेस को हम देख सकते हैं। और साथ ही साथ इसके साथ ही हमने वहां पर रुके थे, तो आज उसको हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, उसके साथ हम और आगे जाने की कोशिश करेंगे। तो आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में हम अगर आगे बढ़ते हैं तो मैं दो तरीके से इस चीजों को डिफाइन करने की कोशिश करूंगा कि जो आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी के साथ जाने से पहले हम पहले जान लें कि ये प्रोसेस में किस तरीके से हमारा इवोल्यूशन हुआ है और उस इवोल्यूशन के साथ हम किस तरीके से जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं उसको देख लेंगे। हम सभी लोग ह्यूमन बीइंग हैं, ये हमको एक तरीके से खातरी है, निश्चित है कि हम ह्यूमन बीइंग है ना, ह्यूमन बीइंग हमारे स्ट्रगल करते हैं कि मैं इसे सोशल एनिमल, एक सामाजिक प्राणी सोशल एनिमल है ना, लेकिन एनिमल भी और एनिमल और इसलिए हम और उसको अलग तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। तो हमें भी है और हमारे जो पहचान है हमारे एग्जिस्टेंस है वो एग्जिस्टेंस को हम दो तरीके से देख सकते हैं कि हमारे एग्जिस्टेंस में हम दिख रहे हैं, एक हमारे बॉडी है, दो हाथ है, दो पांव है, दो आंख है, एक नाक है, सर है, बाकी सब चीजें चार पैर हैं है ना। तो हम एक तरीके से एनिमल जैसे कि हमारे बॉडी है और बॉडी के साथ साथ हमारे माइंड है, यानी हमारे एक सोचने की ताकत है हमारे माइंड के माध्यम से हम सोच सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हम डिफरेंशिएट इस बात को भी कर सकते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, और डिफरेंशिएट करने के साथ साथ हम प्लानिंग भी करते हैं कि हम आगे कैसे बढ़े,
फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले 5 साल में क्या होगा या क्या कर सकते हैं हम आने वाले 5 साल में भी अगर मुझे वो अचीव करना है तो मुझे प्लानिंग मैं अभी से स्टार्ट करता हूँ। तो ये जो करने की ताकत है वो हमारे माइंड की वजह से, तो इसमें जो एक ग्रोथ है, बॉडी का ग्रोथ है, उस बॉडी के ग्रोथ को हम अगर देखेंगे तो ये नेचुरल प्रोसेस में आया, मतलब हम अगर देखेंगे तो हमने जन्म लिया, जन्म लेने के साथ साथ हमारा धीरे धीरे हम कुछ खाना खाए, खाना खाने के साथ साथ हमने फिर चलना सीखा, चलना सीखने के बाद हम फिर बोलना सीखा, बोलने के बाद हम फिर डिफ्रेंशिएट करने को सीखा, मतलब ये डिफ्रेंशिएट करने का ये माइंड के साथ कनेक्टेड है। लेकिन हम जो चलने का या दौड़ने का जो है प्रोसेस, ये हमारे बॉडी रिएक्शन से वो आता है, बॉडी भी हम उसको करते हैं या उसको जान पाते हैं और ये ग्रोथ हो रहा है। मतलब छोटे थे, अगर आप 10 साल पहले जैसे थे आप, उस तरीके से नहीं है, आपके बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, हार्मोनिक चेंजेस हो रहे हैं, तो ये बहुत सारे चेंजेस जो है इसको हम रोक नहीं सकते या उसको हम कंट्रोल कर नहीं सकते। यानी अभी फिर होगा कि हम थोड़ा सा और उम्र बढ़ेंगे, बाल पकेंगे, दाढ़ी पकेंगे, दांत निकल जाएंगे और फिर उसका डिकेय होगा, उसका नष्ट होगा, हमारा डेथ होगा। ये नेचुरल प्रोसेस के थ्रो में वो चलता रहता है, ये साइक्लिक डेवलपमेंट है या वो जो इवोल्यूशन के तौर पर ये चीजें हमारे साथ हो रहा है। लेकिन माइंड है हमारा, जो माइंड को बुद्धिज्म में अलग अलग तरीके से बताया गया कि ये चित्त कहते हैं, मनो भी कहते हैं, तो ये उसको अगर बोलेंगे तो इसको कॉन्शियसनेस भी बोलते हैं इंग्लिश टर्म में, या फिर आप उसको अवेयरनेस भी कह सकते हैं। यानी इस तरीके से ये चीजें दोनों चीजें हमारे पास है, तो बॉडी के जो एक्शन है, उस बॉडी के जो ग्रोथ है, उस बॉडी के ग्रोथ को हम क्या कर सकते हैं, रोक नहीं सकते। और बॉडी के ग्रोथ के लिए हमें जो पोषक चीजें जरूरत है वो है कि खाना अच्छे वातावरण में और अच्छी परिस्थिति हमारे पास हो, तभी हम उसका ग्रोथ जो है वो उसी तरीके से होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि बॉडी फीचर्स जो है अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है, कोई छोटे होते हैं मेरे जैसे, कोई लंबे होते हैं, यहाँ सूरज तो ऐसे अलग अलग फीचर्स के लोग होंगे, कोई काले होंगे, कोई गोरे होंगे, कोई ब्राउन होंगे, तो इस तरीके से हमारे फीचर्स एनवायरमेंट के तहत में होता है। लेकिन सभी का माइंड एक है, यानी माइंड का जो नेचर है वो सेम है और सेम प्रकार से वो काम करता है। ये मैं नहीं बता रहा, ये बुद्ध बता रहे, ये जो है बुद्ध बता रहे। और ये बात हमारे चेंज को, हमारे प्रोग्रेस को डिफाइन करता है, ये बात हमारे चेंज को, हमारे प्रोग्रेस को डिफाइन करता है। और इस तरीके से डिफाइन करता है कि जिस तरीके से बॉडी का ग्रोथ अलग अलग परिस्थितियों के साथ होता है, उस तरीके से माइंड के कुछ हिस्से हैं या कुछ कार्य करने की तरीका है, जिस कार्य करने की तरीका में उसका अगर पोषक चीजें उसको मिले तो वो डेवलप हो सकता है, उसको अगर वही चीजें मिले तो वो प्रोग्रेस की तरफ जा सकता है, वो चेंज की तरफ जा सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये प्रोसेस, बॉडी के प्रोसेस क्या है वो डिपेंड करता है एनवायरमेंट के ऊपर, लेकिन वहां पर एफर्ट्स नहीं लगते, वहां पर हम प्रयास नहीं करते। लेकिन हाँ, प्रयास कहाँ पर करते हैं, मसल्स बढ़ाएंगे, जिम जाएंगे मसल्स बढ़ाएंगे और वो होगा, लेकिन वो चीजें अलग बात है। लेकिन सभी का क्या है, बर्थ से लेकर डेथ का जो प्रोसेस है वो सभी के साथ वो चीजें ऑटोमेटिकली होता है। तो माइंड के साथ जो है एफर्ट्स की बात है, उस एफर्ट्स की बात को हमें करना पड़ता है। यानी माइंड को डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, उस डेवलपमेंट के प्रोसेस को हमको भी करना पड़ता है, हमको जानबूझ के एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं और वो जानबूझ के एफर्ट्स लगाने से ही हमारे ग्रोथ हो सकता है। और ये बातों को हमने छोड़ दी, वो जहां पर मैं विचारधारा की बात बोल रहा था, वो विचारधारा वहां पर अफेक्ट करता है। यानी जो विचारधारा समाज है, वो विचारधारा हमारे ऊपर अफेक्ट करता है।
क्योंकि हम अपने मन को, अपने मन की जो एफर्ट्स है उस एफर्ट्स को लगा नहीं पाते। तो एक लेवल की जो ग्रोथ है उस ग्रोथ को माइंड के भी बॉडी के साथ होता है और उस बॉडी के साथ कुछ हद तक का डेवलपमेंट होता है, लेकिन वहां से जो एक लेवल आ जाता है उस लेवल से फिर हमको क्या करना पड़ता है, खुद को डिसाइड करना पड़ता है कि मेरा ग्रोथ किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो विचारधारा है वो विचारधारा का काम यहाँ पर होता है। यानी आप लोगों ने, सभी लोगों ने जाना होगा कि कितने विचारधाराएं हैं जो समाज में आज प्रिवेलिंग। आप बताइए, ये कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी है जिसको बाबा साहेब ने बोले थे कि हमारे दो शत्रु हैं। हाँ, क्या है वो? हमारे दो शत्रु हैं, एक तो है द्रविड़िज्म, दूसरा है कैपिटलिज्म, पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद। ये हमारे दो बड़े शत्रु हैं और इसको हमको हराना है। ये बाबा साहेब की आइडियोलॉजी। तो हम जो भी बात कर रहे हैं, जो भी चीजें इंटरेक्शन कर रहे हैं, वो आइडियोलॉजी के साथ कनेक्टेड है, ये विचारधारा के साथ कनेक्टेड है। और विचारधारा को छोड़ दिए तो हमारी लाइफ नहीं है, लेकिन हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जैसे कि हम डिस्कशन करते समय कौन से बातों को लेकर हमको अफेक्टेड हुआ है। और एक चीजों के ऊपर मैं आना चाहूंगा, वो चीजें आपको पहचानने की जरूरत है, ठीक है? तो अभी जो स्टाइल, हेयर स्टाइल एक अलग आता है, लड़कों का इधर से निकाल देते हैं कुछ, इधर से भी निकाल देते, बीच में रहता है। तो हमारे ऐसा है कि हम स्टाइल करते हैं, मतलब इसमें मैं नहीं कह रही कि हम स्टाइल करते हैं, सभी लोग स्टाइल करते हैं, लेकिन तो वो स्टाइल क्या है जो कि अलग अलग समय के साथ, अलग अलग समय के साथ बदलते आ रहा है। वो क्यों बदल रहा है? कुछ समय था तेरे नाम जैसे स्टाइल करते थे ना लड़कों, मिथुन चक्रवर्ती, या जो जो टाइम था वो टाइम के हिसाब से बदल रहा है। मिथुन के समय में जो मिथुन को पसंद करते होंगे वो कर्ली हेयर और बड़े बड़े बाल, फिर सलमान खान के आए तो सलमान खान जैसे, हाँ हनी सिंह आया तो हनी सिंह में उसके स्टाइल, तेरे नाम का स्टाइल, और कौन कौन सा स्टाइल, अभी दाढ़ी वाला स्टाइल नहीं, हम ये कोशिश कर रहे हैं, इसमें किसी स्टाइल करना गलत बात नहीं बोल रहा मैं। लड़कियों में भी ऐसे हैं, है ना, कि कौन सा स्टाइल के ड्रेस पहनना है, कौन सा अभी लेटेस्ट डिजाइन कौन सा है ना। तो ये क्या है, ये कौन से विचार है जो हमको अफेक्ट करता है? और आज के समय में ज्यादा है, जब हम शॉपिंग मॉल पे, मॉल पे चले जाएंगे, हाँ बिग बाजार पे चले जाएंगे, तो एक चीज को खरीदने के लिए जाते हैं और दूसरी चीज खरीद लेते हैं। जो खरीदने के लिए जाते हैं वो खरीद नहीं पाते, लेकिन दूसरी चीज को खरीद लेते हैं। कौन सा विचार है? ट्रेडिशनल वेस्टर्न कल्चर, उसको उपभोक्तावाद कहते हैं, उपभोक्तावाद या कंज्यूमरिज्म। मतलब हम चीजों के तरफ अट्रैक्ट होते जाते हैं, अट्रैक्ट होते जाते हैं, और इसको अलग तरीके से और बोलेंगे तो ये इसको वेस्टर्नाइजेशन बोल सकते हैं, या उसको फिर एक तरीके से मॉडर्नाइजेशन की तरफ बोल सकते हैं कि हम मॉडर्न हो रहे हैं, है ना। लेकिन इसको भी जो सोशल थिंकर्स है उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि जो मॉडर्नाइजेशन के तहत देखना कि कान में बाली वगैरह कुछ पहनते, टैटू करना, ये चीजों को कुछ सोशियोलॉजिस्ट जो है ये बताते हैं कि ये ट्राइबलाइजेशन है। मतलब ये ट्राइबल कल्चर में था जिसको कि अभी लोग उसको मॉडर्नाइजेशन के तहत पर एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको जान रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है। तो ये कंज्यूमरिज्म का इफेक्ट हमारे ऊपर है। दूसरी अगर एक विचार को हम बात करेंगे तो वो विचार और एक क्या है जिसमें हम सोचते हैं कि मुझे एक अच्छा करियर चाहिए। तो समस्या का जो सिस्टम है वो समस्या का सिस्टम को धार्मिक मान्यताएं मिला हुआ है, और जिस धार्मिक मान्यता मिला हुआ है उसको लिटरेचर के माध्यम से सैंक्शन किया गया है।
यानी कौन सा पवित्र है कौन सा अपवित्र है, ये चीजें कहा गया। तो इसलिए एक विचारधारा के तहत हमको एनालिसिस करने की जरूरत है एज ए स्टूडेंट एज ए यूथ, तभी हमारे माइंड को हम कल्टिवेट कर सकते हैं। आपको पता होगा कि सावरीमाला मंदिर, उसका स्ट्रगल पता है सबको, सावरीमाला मंदिर का जो स्ट्रगल है केरला में, तो वो स्ट्रगल क्या है, वो स्ट्रगल क्या है, आप अवेयर है इसको लेकर, आप जानते हैं। तो वहां पर महिलाओं को प्रवेश किया कर नहीं दिया जाता था, लेकिन जो कोर्ट है डिसीजन दिया कि ये लोग भी जा सकते हैं, और फिर जो लोग वहां पर पूजा करते हैं वो लोग क्या किए, इनको रोके, इन्होंने आंदोलन की, आंदोलन करने के बावजूद भी उनको प्रवेश दिया नहीं गया, उनको मारा गया पीटा गया। और उसके पीछे का आइडियोलॉजी क्या है, उसके पीछे का विचारधारा क्या है, जो उनको एक ग्रुप को बता रहा है कि तुम इन लोगों को प्रवेश करने मत दो, और दूसरा ग्रुप ये कोशिश कर रहा है कि आप उसके अंदर जाना चाहिए, कास्टिज्म। और क्या हो सकता है उसको, और लिबरल तौर पे लीजिए कि कास्ट रिलीजन के साथ मत लीजिए, हाँ उसको लिबरल होके सोचिए, फंडामेंटलिस्ट कट्टरवादी मनोवादी विचारधारा के तहत, हाँ बोलो ना, ये डर भी हमारे कल्टिवेट करना है, इसको दूर निकाल के कॉन्फिडेंस पैदा करना है, उच्च नीच विचारधारा, और भेदभाव की डिस्क्रिमिनेशन की अंधश्रद्धा है, सुपरस्टिशन है, हाँ ट्रेडिशनल छुआछूत की, यस, और पुरुषवादी, यस। आप लोगों ने सही बता रहे हैं, ये चीजें हैं। आप डरिए मत कि हम यहां पर जो बोलेंगे वो सही है और जो बोलेंगे वो गलत होगा, क्योंकि हम ये भी एक हमारे कल्टीवेशन ऑफ माइंड का पार्ट है, क्योंकि हम हमारे बातों को कोई एक्सेप्ट करेगा और रिजेक्ट करेगा ये हमारे मन में ही हम सोच लेते हैं, और हमारे कॉन्फिडेंस वहां पर लूज होता है, क्योंकि यहां कोई रिजेक्ट करने वाला नहीं है और कोई सर्टिफाइड करने वाला नहीं है। सो आप लोग ही आप लोगों के माइंड को पहचान रहे हैं। तो देखिए कि आप जब बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या डर की वजह से नहीं बोल पा रहे हैं, या मुझे बहुत सारे लोग क्या सोचेंगे मगर ये बोलता हूं, तो ये भी देखिए जब इंटरेक्शन हो रहे हैं हम। तो इसमें एक चीज मैं जोड़ूंगा, आप लोगों ने जो भी बोले वो सही है, लेकिन वहां पर प्यूरिटी एंड पोल्यूशन, शुद्धता और अशुद्धता का ऐसी एक विचार, जो लोग रोक रहे हैं महिलाओं को अंदर आने से, वो ये सोच रहे हैं कि महिलाएं जो है वो अशुद्ध है, अशुद्ध है, अपवित्र है, ये अगर आएंगे तो मंदिर जो है वो अपवित्र हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट काम कर रहा है वहां पर। और जो लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, जो लोग लड़ाइयां लड़ रहे हैं, उनका क्या सोच है, उनका क्या सोच है, आप लोग बताइए, इक्वालिटी, यस, और फ्रीडम, आप सपोर्ट कीजिए उनको, इक्वल ट्रीटमेंट की, हाँ रेस्पेक्ट की, यस, और यूनिटी, यूनिटी किस तरीके से, सर इक्वल इक्वल स्टेटस के लिए, या इक्वल ह्यूमन बींग करके ट्रीट किया जाए, यस, इक्वल थिंकिंग, और इस, तो हम उसको और देख सकते हैं कि वहां पर जो सेल्फ रेस्पेक्ट की बात आया, या जो डिग्निटी है,
एक डिग्निटी है, उस डिग्निटी के वजह से और राइट्स के वजह से वो लोग स्ट्राइव कर रहे हैं, वो उसको पाना चाहते हैं, उसको उधर जाना चाहते हैं। उनका इंटेंशन क्या है? पूजा करना नहीं है, उनका इंटेंशन पूजा करना नहीं है। जो कि मैं महाड़ का बात बताया था आप लोगों को कि बाबा साहब ने भी 20 मार्च को महाड़ तालाब के सत्याग्रह किए थे पानी के लिए, लेकिन ये ह्यूमन डिग्निटी की बात, ये एक सेल्फ रेस्पेक्ट की बात है, आत्म स्वाभिमान की बात है। वो स्वाभिमान की बात को वो दर्शाने की कोशिश करें कि हम भी ह्यूमन बींग हैं, हम भी ह्यूमन बींग हैं, आप जैसे ह्यूमन बींग हो हम भी हैं, आपके जैसे जीने का अधिकार है हमारा भी है, और आप जिस तरीके से फ्रीली जीवन जी सकते हो, फ्रीली कुछ काम कर सकते हो, हम भी फ्रीली जीवन जी सकते हैं, फ्रीली हम काम कर सकते हैं। और यही बातें हमारे माइंड के ऊपर दबाया जाता है, यही बातें, ये आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो है इस सोसाइटी में बना हुआ है वो हमारे ऊपर हमेशा लादा जाता है कि तुम इन्फीरियर हो या तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है ये चीजें को करने के लिए। ये बात को हम अपने हर एक समय में देख सकते हैं, अपना दोस्त बोलेगा हम अगर अरे तेरे बस की बात नहीं है, होता है जो दोस्त होते हैं कभी कभी होते हैं, अरे तेरे बस की बात नहीं है, तू तो गया तो कुछ काम का नहीं है, चल ऐसे होता है क्या? जो डिस्करेजमेंट है, जो चीजें हमको आगे बढ़ने के लिए रोकता है वो क्या होता है कि ये विचारधारा होता है, ये हमको रोकता है, ये हमको रोकता है। तो मैं यहां बाबा साहेब का उदाहरण दूंगा। बाबा साहेब को बताया गया था या बाबा साहेब को ऐसे कहा गया था कि बाबा साहेब जो काम कर रहे हैं उस काम में सफल नहीं होंगे और वो ज्यादा से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। तो उस समय बाबा साहेब ने कहे थे कि अगर मैं जिस समाज के लिए काम कर रहा हूं उस समाज का उद्धार नहीं हो पाया तो मैं खुद को गोली मार के मर जाऊंगा, ये एक स्टेटमेंट हो। दूसरी बात वो बोलते हैं कि ये जो मैं कारोबार को आगे लेके जा रहा हूं, ये जो काम को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, अगर चाहे भगवान भी आके यहां पर उसको रोकने की कोशिश करे तो वो भी खाक में मिल जाएंगे। ये बाबा साहेब के स्टेटमेंट है। तो हम देख सकते हैं कि जो कमिटमेंट की बात है, जो संकल्प की बात है, वो क्या हमारे लाइफ को लेकर हमारे कमिटमेंट वैसा है? क्या हम इस बात को रियलाइज करते हैं कि जो भी मैं करने के लिए कोशिश कर रहा हूं मेरे कमिटमेंट उस तरीके का है जो स्ट्रांग है? और कल्टीवेशन माइंड के पहले स्टेप में अगर हम देखेंगे तो आपके कमिटमेंट चाहिए, और वो कमिटमेंट आपके आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी के साथ ही आपके पास आता है। आप कौन से विचारों को मानते हैं, कौन से विचारों के साथ जीते हैं, तभी आप उस बात को समझ सकते हैं और आपके कमिटमेंट को आप स्ट्रांग कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते। तो ये आइडियोलॉजिकल बेस पे जो हमारे माइंड का कल्टीवेशन है, आपको समझ में आया? समझ में आया? या कुछ सवाल है इसको लेकर तो आप बोल सकते हैं, जिसको कि एक दो मिनट में हम देख सकते हैं।